हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल्जर। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए, टॉपिक है आपके कनेक्शन की सच्चाई पता करेंगे। आपका कनेक्शन कैसा है? रियल कनेक्शन है, कार्मिक है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? आप किस तरह के कनेक्शन में हैं राइट नाउ, आपको जानना है। क्योंकि आज की रीडिंग में कुछ कार्मिक के लिए भी आया था, कुछ रियल कनेक्शन के लिए आया था। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि हम कैसे जाने कि हमारा कनेक्शन का टाइप क्या है, हम किस तरह के कनेक्शन में हैं। गाइस, सबसे पहली बात है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप बिना रीडिंग के भी पहचान सकते हो अपने कनेक्शन को कि मेरा कनेक्शन किस तरह का है। देखो, एक रियल कनेक्शन में ना आपके पर्सन कभी भी आपकी इंसल्ट नहीं करते। हालांकि वो नाराज़गी दिखाएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको कभी भी आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, आपको बहुत गलत नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अपने दोस्तों के सामने भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब वो आपको कभी भी हेट भी नहीं करेंगे। हालांकि सेपरेशन हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है, लेकिन हेट कभी नहीं होगा, इंसल्ट कभी नहीं होगी वहाँ पर। कार्मिक कनेक्शन में आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाएगा और आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपके साथ गलत शब्द भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और भी आपको, मतलब आपका दिल बता देगा कि ये मेरा रियल कनेक्शन है या फेक कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रीडिंग में जान लेंगे यहाँ क्या आता है आप लोगों के लिए, कैसी एनर्जी आती है, क्या आपकी इंट्यूशन के साथ मैच करेगी या नहीं करेगी, देख लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो रीडिंग देखने के लिए आए हैं, तो देख लेते हैं किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है। तो ये रेजोनेट अगर हो जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फोर्सफुली से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी यहाँ तक पहुँचें आप देखिए, हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैसा कनेक्शन है आपका, रियल है या फिर कार्मिक है। कैसा कनेक्शन है आपका? ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स। देखा पहले कैसा कार्ड आ गया, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, नो इश्यू। टेम्परेंस, एंड टू ऑफ कप्स। ये मैं ना कुछ ग्रुप्स में ये रीडिंग करने वाली हूँ। टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके, कार्ड रिवर्स है, जस्टिस and hermit। Aries, three of pentacles and four of swords। मैंने ना तीन ग्रुप निकाले हैं, ठीक है, और मैं आपको बता दूंगी किसके साथ क्या सिचुएशन है, तो देन आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। एंजल आंसर्स भी ले लेते हैं गाइस। ये मैं क्यों इसे एज अ पिका कार्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप तीनों ही देखें और देन आप देखें कि आपके साथ क्या कंडीशन मैच हो रही है, कौन सी सिचुएशन मैच हो रही है, ठीक है। क्योंकि तीनों ही चीजें देखना, तीनों ही ग्रुप को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। मैं बता रही हूं जो नंबर वन है, ये वाला जो रो है, ये आपका रियल कनेक्शन है। ये कनेक्शन 100% कार्मिक है, ठीक है। और इस कनेक्शन में आपके साथ डिवाइन भी नहीं है। और ये जो नीचे का कनेक्शन आया, मैं इसको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम ये वाली बात कर लेते हैं, जो नंबर
मैंने जो पहला रो निकाला है ये कनेक्शन आपका रियल है, लेकिन इस टाइम आपकी कनेक्शन की सिचुएशन ठीक नहीं है। आपका दिल टूटा हुआ है, आप बहुत अकेलापन फील करते हो और आप कभी कभी सोचते हो कि पता नहीं इस कनेक्शन में कुछ अच्छा होना भी है या नहीं होना है। तो एंजल ने आंसर दिया है कि इस कनेक्शन में आपको अबंडेंस मिलनी है, फ्यूचर में जल्दी आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रोकन हार्ट है या हार्ट एक आपको हो रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपकी हीलिंग हो। ये कनेक्शन आपको आगे बढ़ने में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ये आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। आपको आपको कभी भी इस पर्सन के साथ ऐसा फील नहीं होता कि ये आपकी इंसल्ट करते हैं, ये आपको लेकर बहुत पैशनेट हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। सेपरेशन में अगर आते हो तो ये भी आप ही की भलाई के लिए होता है। यहाँ पे कुछ भी चीटिंग फ्रॉड जैसा कुछ भी नहीं है, इस पर्सन की इंटेंशन बहुत अच्छी है और ये आपका रियल कनेक्शन है, ठीक है। पहली तो हो गई बात ये वाला जो कनेक्शन यहाँ पर जो निकल कर आया है, ये कनेक्शन आपका 100% कार्मिक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, आपको बहुत एन्जाइटी, ठीक है, और स्ट्रेस फील होता है, क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको अच्छा रिस्पांस देते नहीं हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बहाने लगा देते हैं कि मैं इसलिए आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर फैमिली इश्यूज इसने बहुत ज़्यादा बताए हैं आपको कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी और कभी भी हम एक नहीं हो सकते, यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, आपका करियर आगे नहीं बढ़ेगा, मेरी फैमिली बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, इस तरह की बातें करी है जब जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगी है। इस कनेक्शन में डिवाइन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है और इस कनेक्शन में आपको जस्टिस कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ही रिवर्स में है, ठीक है। और एक चीज़ और है, इस पर्सन ने बोला है कि ये पर्सन अपने घर वालों की पसंद से ही शादी करेंगे। तो अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो जिस भी पर्सन ने आपको ये बोला है कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, आपका कोई करियर नहीं है और मेरी शादी मुझे अपने घर वालों की पसंद से करनी है और आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं, तो ये वो पर्सन नहीं है जो आपके लिए बना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है गाइज, यहाँ पर डिवाइन आपको इस कनेक्शन को सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे जो ये जो थर्ड वाला है ये भी मुझे कार्मिक कनेक्शन ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ना अभी रिश्ता शुरू नहीं हुआ है, आपका जो है कनेक्शन वो फ्रेंडशिप तक ही है, ठीक है। ये कनेक्शन अभी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, आप सिर्फ फ्रेंड्स हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी अभी आप किसी से मिले हैं और वो पर्सन डिवोर्सी है, या फिर वो किसी के फादर हैं या हस्बैंड है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी इस कनेक्शन की बुनियाद या नींव बनी ही नहीं है। एक तो होता है कि नींव बिल्कुल कच्ची है और यहाँ बिल्कुल पक्का है काम, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई फरेब या धोखा देंगे आपको, नहीं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं या आपके कार्मिक पार्टनर हैं, इनसे जितनी जल्दी फ्री हो जाओगे उतना अच्छा रहेगा। बट यहाँ पर अभी बातचीत शुरू हुई है, क्रश मैं बोल सकती हूँ कि आपको क्रश है किसी पर, आपको फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अटैचमेंट फील हो रही है, लेकिन अभी यहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ खास बातचीत होती नहीं है। हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हैं अपने वर्क एरिया में, या अपने कहीं आप जॉब करते हैं या फिर कहीं आप स्टडी करते हैं वहाँ आप मिले हैं, और ऐसे भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं। ये जिस भी इंसान के लिए आप पूछ रहे हो वो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। तो इंसान, तो देखिए डिवाइन अभी आपको बिल्कुल भी नहीं अलाउ कर रहे हैं कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोचो, सरेंडर कर दो, अपने करियर पर ही फोकस करो, क्योंकि ये भी आपका कार्मिक कनेक्शन ही हो सकता है। तो डिवाइन अभी आपको इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, साइन पर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अभी कनेक्शन के लिए अभी टाइम है, अभी सोचो समझो, इस कनेक्शन में ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी बातचीत भी इतनी खास नहीं होती है और ना ही आपको पता कि ये पर्सन रियलिटी में आपको पसंद करते भी हैं या नहीं करते, आपको अभी तक यही कंफर्म नहीं है। तो अभी पहले तो आप साइन नंबर्स वगैरह ध्यान से देखो,
मतलब साइन नंबर, ये नहीं बोल रही मैं कि एंजल नंबर दिख रहे हैं, डिवाइन कुछ बताएं वो अच्छी बात है, कभी कभी डिवाइन हमें किसी पर्सन के बारे में भी आके बताते हैं हमारे ड्रीम्स में, इस चीज पर फोकस करो। बाकी लुक फॉर अ साइन का मतलब है ये पर्सन आपको क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कैसा आपसे बर्ताव करते हैं, कैसी बात करते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पर फोकस करो, साइंस पर फोकस करो, ठीक है, रियलिटी जानने की कोशिश करो, इंटेंशन जानने का कोशिश करो अपने इस पर्सन का जिस पर भी आपको क्रश हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो रो नंबर वन, डेफिनेटली ये आपका रियल कनेक्शन है, इसमें आपको अबंडेंस मिलेगा, आगे जाके मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यस यहाँ पर कार्मिक है, 100% कार्मिक। तो आपकी लाइफ में गाइस, यहाँ पर जिनका भी सोल कनेक्शन निकल कर आया, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस भी आएंगे, अबंडेंस भी आएंगे, डोंट वरी, मैनिफेस्ट करते रहो। अभी हार्ट एक हो रहा है, इट्स ओके, बट ये हीलिंग का टाइम है, तो इसलिए ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो और आपके कुछ डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हुए हों। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर यहाँ नए हैं आप तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।